नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है वुमेन्स डे स्पेशल हमारे इस श्रृंखला में। मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। और दर्शकों, जिस तरीके से आप सभी को पता है कि वुमेन्स डे के इस खास अवसर पर BCN न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है कुछ तमाम उन महिलाओं की कहानी जिन्होंने समाज में अपना एक अनोखा नाम किया है। दर्शकों, जिस तरीके से हर साल वुमेन्स डे के अवसर पर कई लोग महिलाओं के अत्याचार को प्रेजेंट करते हैं, पर BCN न्यूज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है उन सशक्त महिलाओं को जिन्होंने समाज में अपनी एक अनोखी पहचान बनाई है। तो आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ है नीलिमा रामटेकी जी, जो वर्ल्ड ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कमेटी की एक एक्टिव मेंबर है, साथ ही स्पंदन डिजिटल आर्ट्स की ये संचालिका है, साथ ही स्पंदन इमिटेशन ज्वेलरी की भी इन्होंने शुरुआत की है, और SR किचन पुणे इसकी ये CEO है। तो मैम, बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। इट्स एक्चुअली एन प्लेजर हैविंग यू विद अस टुडे, और कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें आपसे मुझे करनी है। सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे है कि आप इतनी सारी चीज़ें मैनेज कर लेती है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब मुझे ज़ीरो से जो आपकी कहानी है अब तक की, उसके बारे में जानना है। मैम थैंक यू। मैं डॉक्टर नीलिमा रामटेके, मैं तो मैम सबसे पहले एक ही, आपने भी जो बोले ना कि आप इतना सब मैनेज कैसे करते हो, तो मैम सबसे सक्सेस की सबसे खास बात ये है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। और आप पे फिदा हो गया सक्सेस एक्चुअली। हाँ, तो मैं मेहनत करने के लिए कभी भी आगे पीछे नहीं देखती हूँ। दिन है रात है ये मैं भूल चुकी हूँ, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान में कि दौड़ना है और सक्सेस को पाना है। तो मतलब यही है आपका मंत्रा, ऐसे कह सकते हैं आप लोग, जो इतनी ऊंचाइयां पा रही है आप, और यही मंत्रा है कि बस दिन रात उस चीज़ के पीछे डटे रहो, और फिर वो कहते हैं ना कि पूरी कायनात आपको उसी मिलाने में जुट जाती है, ऐसा ही कुछ शायद आपके साथ ही हुआ है। डॉक्टर नीलिमा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मतलब इस सारी जो जर्नी की शुरुआत मतलब कैसे हुई, कैसे सोचा, कैसे जो आपका एजुकेशन करियर था और ये सारी चीज़ थी उसके बारे में। मैम प्रॉपर बाय बर्थ मैं नागपुर से ही हूँ, नागपुर में ही मेरा जन्म हुआ है। मेरी जो फैमिली है वो फैमिली एजुकेशन बैकग्राउंड से है। अच्छा। और गवर्नमेंट जॉब भी हमारे फैमिली में फर्स्ट प्रेफरेंस में है। सब गवर्नमेंट जॉब पे, पापा भी तहसीलदार थे। तो बचपन से ही मेरा भी सपना था कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ और कुछ तो भी अच्छे सेक्टर में काम करूँ। तो टीचिंग फील्ड में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने टीचिंग फील्ड को एक्सेप्ट करके मैंने मेरा BA, फिर BEd, MA इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, फिर मैंने MEd किया, MA इन मराठी, MA इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। कंप्लीट होने के बाद मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट करके मैम नागपुर में ही वर्क करती थी। तो मेरी दुनिया वहीं तक सीमित थी, जॉब था, सैलरी मिलती थी, शादी हो गई थी, ससुर भी मेरे जोनल ऑफिसर थे और बहुत अच्छे फैमिली मुझे मिल गई थी, सास ससुर का प्यार। सडनली क्या हुआ मैम कि मेरे लाइफ में एक हादसा हो गया। 2015 में जब मेरा बेटा मात्र 18 महीने का था, मेरे हस्बैंड की अचानक से रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। यानी मुझे नहीं पता था कि दूसरे दिन का जो सवेरा निकलेगा तो वो इतना भयानक होगा कि वो चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। रात को गए, एक शादी में जाना था, सवेरे न्यूज़ आ गई कि वो उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद एक महीने बाद मेरे बेटे का भी एक्सीडेंट हो गया, जो मेरा छोटा सा बच्चा था 18 महीने का। वो इतना इंजर हो चुका था कि फिर मुझे उसके लिए 6 महीने जॉब से ड्रॉप लेना पड़ा और फिर मैं घर में थी। तो मुझे बार बार कॉल आती थी, मैम आप जॉब ज्वाइन करो नहीं तो हम किसी और को वहाँ पे प्लेसमेंट कर देंगे। जॉब भी मेरा छूट गया, बच्चा छोटा था, सास ससुर थे उनको, यानी वो फैमिली चला रहे थे, बट मुझे अंदर से लग रहा था कि अब मैं क्या करूँ, मैं तो डिपेंड हो गई सब पे, क्योंकि जॉब था तो पैसे आते थे, तो मैं फ्रीली लाइफ जी रही थी। बहुत सोचने के बाद फिर मैंने बोली कि नहीं नीलिमा, अब तो जॉब नहीं कर सकती, जॉब से अभी उतना इनकम नहीं आएगा, कुछ तो भी अच्छा कर। अच्छा करने के पीछे मैम मुझे कुछ गलत लोग मिले, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में गई, फिर मैं वहाँ पे 5-7 लाख से नहीं तो टोटल 30-45 लाख से माइनस में आई। फिर इतने सारे लोगों का पैसा इनको कवर करके देना था, तो ये जब सारी चीज़ें मेरे साथ हुई तो फिर मैंने डिसीजन ली कि नीलिमा खुद का बिजनेस करना है, अभी लोगों के साथ काम नहीं करना है, खुद कुछ तो भी कर। तो फिर मैं डिजिटल एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में मैंने कदम रखी, क्योंकि दौर तो अभी वही चल रहा है डिजिटलाइज का। तो 2018-2019 ये 2 साल मैंने किसी और के साथ काम करने के बाद
फिर से डिसीजन ली कि नहीं, खुद का सेटअप डालना है, खुद ऑनर बन के काम करना है, और ऐसा काम करना है कि नहीं 100 लोगों को, बट मैं मेरे माध्यम से 10-15 लोगों को भी जॉब दे पाई, 10-15 महिलाओं को भी हेल्प कर पाई, तो मैं मेरी लाइफ में सक्सेस हूँ. तो 2020 में मैंने 15 डिजिटल एड्स को सेपरेट की और फिर वहां से मेरी जर्नी चालू हो गई. सक्सेस फिर वही से, बहुत ही ज्यादा मेहनत है. हाँ, उसके बाद स्पंदन डिजिटल एड्स के बाद फिर स्पंदन इमिटेशन ज्वेलरी का शॉप मैंने डाला. उसके पीछे की भी एक स्टोरी है. अभी 14 अप्रैल 2021 में मेरे जीजा जी एक्सपायर हो गए. इतना सब कुछ तो मेरे साथ तो हो ही रहा था, फिर से एक भगवान ने, वो बोलते ना कि इंसान भगवान उसी की परीक्षा लेता है जो कर सकता है, जो दौड़ सकता है. फिर से एक नया चैलेंज आ गया कि जीजाजी एक्सपायर हो गए. जीजाजी एक्सपायर होने के बाद ताई के साथ यह हादसा हुआ, उसको फिर मैंने मेरे साथ शिफ्ट की नागपुर में कि हम दोनों बहन मिलकर अच्छा करेंगे. तो उसके लिए फिर मैंने स्पंदन इमिटेशन ज्वेलरी ये शॉप मैंने चालू की. वो शॉप अभी मेरी सिस्टर देखती है. फिर से माइंड में आया कि ऐसा क्या सेक्टर है कि कोविड आए या कुछ भी आए तो वो सेक्टर में लॉस ना हो, या फिर अपने को उसमें हमेशा काम मिलता रहे, मतलब कंटिन्यू काम चलता रहे. हाँ, फिर माइंड में आया कि फूड सेक्टर. कोविड आए या कुछ भी आए, लोगों को खाना तो चाहिए. हॉस्पिटल में रहेंगे तो भी खाएंगे, जिंदा रहेंगे तो भी खाएंगे, जरूरी है. तो फिर मैंने फूड सेक्टर में कदम रखे. तो फूड सेक्टर के लिए मैंने पुणे सिटी को चूज की, क्योंकि पुणे में आईटी सेक्टर है. पेइंग गेस्ट सिस्टम बहुत चलता है. तो पुणे में मैंने एसआर किचन वहाँ पे सेटअप लगाई और वहाँ पे मेरा अभी वर्क चालू है. अच्छा, फूड सेक्टर के बाद अभी 2022 में यानी अभी रिसेंट में फिर एक सेक्टर को चुनी मैंने, जो है फाइनेंस सेक्टर. ये दो सेक्टर ऐसे है, फूड और फाइनेंस. लोगों को पैसा चाहिए और खाना तो चाहिए, तो फाइनेंस सेक्टर में भी मैंने अभी कदम रखी हूँ. बहुत जल्द उसका भी इनॉग्रेशन करने वाली हूँ. हमने बैंक का सेक्टर अभी ओपन किया है, एक बहुत ही अच्छी बैंक का कलेक्शन सेंटर मैंने नागपुर में ली हूँ मैम. तो अभी ये एक हफ्ते में उसका भी पूरा सेटअप लग जाएगा और इनॉग्रेशन भी हो जाएगा. अच्छा, मतलब ये थी चीज़ें. कहीं ना कहीं बहुत कंसर्न है आपकी, जो स्टोरी सुनी मैंने, और एक्चुअली काफ़ी स्ट्रगल आपने फेस किया एक सिंगल मदर. उसके बाद सारी चीज़ों को, सारी परेशानियों को समझो और इतनी सारी दिक्कतें एक साथ, प्रॉब्लम्स का आना. बट जिस तरीके से आपने कहा कि भगवान उसी की परीक्षा लेता है जो उस परीक्षा में पास होने के लिए तैयार हो, मतलब वो कुछ भी करे और वो तैयार रहता ही, हमेशा डटे रहते हैं. और कुछ ऐसा ही आपका भी काम रहा, मतलब कंटिन्यूसली आपने काम किया, कभी भी हार नहीं मानी चीज़ों से. एक सवाल था, मतलब इतनी सारी जब चीज़ें हुई तो कहीं ना कहीं आपने सोचा होगा कि टूट चुके होगे आप, और फिर उसके बाद आपने कैसे कोप अप किया चीज़ों से, मैं ये जानना चाहती हूँ. मैम बहुत बार टूटी, बहुत बार अकेले में रोई, बहुत खुद को कोसती थी कि मेरे ही नसीब में ऐसा क्यों, मैं ही क्यों, मुझ मेरे ही नसीब में इतना स्ट्रगल क्यों. फिर सोचती थी कि नहीं, मेरे समान में ही नहीं, वो बहुत सारी ऐसी लेडीज है. अच्छा. जिनके नसीब में स्ट्रगल तो है बट उनको साथ देने वाला कोई नहीं है, है ना. मेरे सास ससुर जो है वो जो मुझे माँ बाप की तरह प्यार करते. मैं सोचती थी कि नीलिमा तेरे पास सब कुछ है, स्ट्रगल आया है लाइफ में बट साथ देने वाले लोग हैं. आज मेरे बेटे को मेरे सास ससुर संभालते हैं, तो मैं इतना जर्नी मैम तय कर पाई, उसको लेके भी मैंने काम की. एक मेरे लाइफ में एक दौर ऐसा आया मैम कि 3-3, 4-4 दिन भूखे रह के भी मैंने काम की. बापरे, पर मैं किसी के सामने झुकी नहीं, मैंने किसी रिलेटिव को हेल्प नहीं मांगी. ठीक है, माँ बाप को ये बात पता नहीं चलने दी कि मैं यानी किस दौर से गुजर रही हूँ. मुझ में सिर्फ एक ही जुनून था कि नहीं नीलिमा तुझे करना है और इस सिचुएशन से बाहर निकलना है. उन महिलाओं के लिए जिनके लिए मैं एक आइडियल हूँ. आज भी बहुत सारी महिला मुझे बोलती है कि मैम हमें आपकी तरह बनना है, आप कितना कुछ करते हो. अगर मैं फेल हो गई या सब कुछ बंद करके मैं घर बैठ गई, तो मैम इसमें मेरी हार नहीं है, इसमें उन सभी लेडीज लोगों की हार है जो मुझे अपना आइडियल मानती है कि अगर नीलिमा कर सकते तो हम क्यों नहीं. हाँ, मतलब कहीं ना कहीं आपकी स्टोरी एक्चुअली इंस्पायर करती है बहुत लोगों को. मैं सवाल ये भी था आपसे कि आप जो इतने लोगों को इंस्पायर करती है, आपके लिए इंस्पिरेशन कौन है. मैम मेरे लिए तो इंस्पिरेशन मेरा बेटा है. तब वो 18 महीने का था, अब वो 8 साल कंप्लीट हो चुका है. उसी को देख के मैं जीती हूँ और मेरे जो पूरे प्रोजेक्ट है उसी के नाम से है. स्पंदन डिजिटल एड्स, स्पंदन इमिटेशन ज्वेलरी, एसआर किचन, स्पंदन फ्लाई निधि लिमिटेड बैंक,
और आने वाले दिनों में उसके लिए भी कुछ मैंने सोची, तो वो उसी के नाम पे रहेगा। तो मेरे लिए तो आइडल मैम मेरा बेटा है और दूसरी है मेरी माँ। मेरी माँ को भी हमने बचपन से ही जॉब फील्ड में नहीं है बट फैमिली में भी जो स्ट्रगल होता है ना, अच्छा, जो हर औरत करती है, तो वो स्ट्रगल मेरी माँ का हमने बचपन से देखे हैं। यानी मम्मी ने कितना स्ट्रगल करके हमको बड़ा किया, हमको एजुकेशन दी। तो मेरे लिए तो स्ट्रगल मेरी माँ है कि नहीं, हमें करना है अपनी माँ के लिए, हमारी माँ को प्राउड हो, क्योंकि हम मैम तीन सिस्टर थे। ओके। तो उसको इतना टॉर्चरनेस था कि तुझे लड़कियां ही होती है, अच्छा, हाँ, तू एक बेटा नहीं दे सकती। फिर एक छोटा भाई भी है फोर्थ नंबर का, बट उसने जो बचपन से सही, वो हमेशा बोलती थी कि तुम तीनों ऐसा काम करना कि मेरा सर कभी ना झुके। हाँ। मैं प्राउड से कह सकूं कि मुझे तीन बेटियां हैं। अच्छा। तो मेरे लिए तो मेरी आइडियल मेरी माँ है। उसके बाद अभी मेरे सामने लेटेस्ट में चैलेंज जो मेरी सिस्टर थी, उसका स्ट्रगल और उसकी हिम्मत देखने के बाद अभी उसकी भी लाइफ की जर्नी में मेरी लाइफ में अभी ऐड हो गई। अच्छा, मतलब आप, ये आपके आसपास के लोग ही है जो आपको इंस्पायर करते हैं। नीलिमा जी, और एक सवाल था, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस भी आपने देखी, मतलब वो जो पैसे भी आपके डूबे, कैसे कोप अप किया चीज़ों को? मैम, जब इंसान दो टाइम का अगर भूखा रहता है ना, वो सदमा वो बर्दाश्त कर लेता है, बट अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए और किसी के पैसे अगर लगे हैं और उसमें अपना नाम जुड़ा है, तो वो जो टेंशन रहता है ना, वो रात भर इंसान को सोने नहीं देता, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। अभी भी मैं रिसेंटली 1 CR 20 lakh के लॉस में आई हूँ एक प्रोजेक्ट में। ओके। फिर भी मैं ये मानती हूँ कि ठीक है ना, 1 CR 20 lakh का ही लॉस हुआ है ना, मेरा नसीब तो कोई लेके नहीं गया। ओके। है ना, मैं तो स्टैंड हूँ, मैं खड़ी हूँ, मैं जिंदा हूँ, तो मैं वो पैसा भी कवर कर लूंगी अगर मुझ में हिम्मत है ना। कौन कहता है मैम कि कामयाबी किस्मत तय करती है, अगर इंसान में हौसला है ना, तो कामयाबी खुद अपने पास आ जाती है। बहुत बहुत खूब कहा आपने, कि मतलब बहुत ही बड़ी बात कही, कहीं ना कहीं अगर हौसला हो तो कामयाबी खुद अपने पास आ जाती है, और मंजिल भी झुक जाती है अपने सामने, झुक जाती है, मंजिल भी झुक जाती है और रास्ते भी दिखने लगते हैं। हाँ। तब तक चलो मैम जब तक तुमको रास्ता दिख रहा है, उस मंजिल पे पहुंचने के बाद तुमको और आगे का रास्ता दिखेगा। हाँ। बट अगर यही से मैं तय कर लूँ ना कि रास्ता बहुत दूर है, मैं वहां पे जा पाऊंगी क्या, तो उसके आगे का भी रास्ता मैं कभी तय नहीं कर पाऊंगी। मतलब वही कि बस आपको डिटरमिनेंट होना है चीजों को लेके, और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें की कंटिन्यूसिटी, और जितना भी आप हार्ड वर्क करते वो पे करता है, मतलब जितना आपने मेहनत की वो रंग लाई है कहीं ना कहीं, जो इतनी सारी चीजें आप बखूबी संभाल रही है, ये बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल चीज है हर किसी के लिए। मैम, आपको मतलब बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है, जैसे कि बेस्ट डिजिटल एडवर्टाइजिंग कंपनी के लिए आपको अवार्ड नवाजा गया है गोविंदा जी के थ्रू, उसके बाद वुमेन्स आइकॉन अवार्ड से भी आपको नवाजा गया है, उसके बाद वुमेन्स इंस्पायर अवार्ड जो मंदिरा जी ने दिया था आपको, ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स आपको दिए गए, मैं उनके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। मैम, जब मैं फील्ड में काम करना चालू की, तो फिर एडवर्टाइजमेंट का ही काम था, इवेंट से रिलेटेड मैं वर्क करती थी। ओके। नए नए लोग जुड़ते गए, लोगों को अपना काम पसंद आते गए, है ना, लोग अपने पास आते गए, जुड़ते गए, तो इन्हीं के माध्यम से फिर प्रमोशन होता रहा। फिर जहाँ जहाँ पे कॉम्पिटिशन से अवार्ड शोज है, वहाँ वहाँ फिर मैंने कंपनी का अपना नॉमिनेशन डालना चालू की, कंपनी का प्रोफाइल वहाँ पे सिलेक्ट होते गया, और धीरे धीरे फिर ये कारवा बढ़ती गई। मतलब ये सारी चीज़ें होती गई। हाँ। अब मैम एक और सवाल था, मतलब इतनी सारी चीज़ें आप मैनेज कर रही है कहीं ना कहीं, तो जब आपको, मतलब मुझे तो नहीं लगता है आपको फ्री टाइम मिलता होगा, बट अगर मिलता है तो उसमें आप क्या करना पसंद करती है? मैम, फ्री टाइम में तो मैं बहुत ज़्यादा पसंद ये करती हूँ कि मैं मेरे बेटे के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ। ओके। क्योंकि वो जब 18 मंथ का था, तब से उसका स्ट्रगल, जितना स्ट्रगल मैंने की हूँ उतना ही स्ट्रगल मेरे बेटे ने भी किया है। वो बचपन से देख रहा है कि मम्मी वर्क करती है, मम्मी ऑफिस जाती है, मम्मी काम करती है, मैं उसको टाइम नहीं दे पाती हूँ, मैं 10-10, 12-12 दिन उसको छोड़ के मुझे बाहर रहना पड़ता है, तो मुझे भी हर्ट होता है, अकेले में मैं रोती हूँ। मैं जब बाहर रहती हूँ तो उसके साथ मैं वीडियो कॉल पे बात भी नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे रोना आता है कि इसको, यानी इसके पापा तो साथ में नहीं है, बट ये माँ के साथ भी नहीं रह सकता। तो जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है, तब मैं वो मेरे बेटे के साथ स्पेंड करती हूँ, उसको लेके बाहर जाना, घूमना, फैमिली मेंबर्स को टाइम देना। अभी सिस्टर है, सिस्टर की भी बेटियाँ हैं, तो हम सब मिल के प्लान करते हैं कि हम कितना टाइम साथ में
स्पेंड कर पाए। ओके नीलिमा जी, एक और सवाल था, मतलब जिस तरीके से आपने भी देखा कि समाज ने किस तरीके से आपके साथ मतलब बहुत बार क्वेश्चन मार्क लगाए आपके कामों पे, तो ऐसे जो वुमेन्स डे का मौका होता है तब बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि महिलाओं को ये चाहिए, महिलाओं को वो चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वॉट डज एक्चुअली अ वुमन वॉन्ट, मतलब एक महिला को, एक लेडी को आपके हिसाब से क्या चाहिए? मैम, एक लेडीज को, एक महिला को, मैं भी एक महिला हूँ, सिंगल मदर हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैम कि मैं सिंगल हूँ इस बात का मुझे गर्व है। मैंने इस चीज़ को कभी निगेटिव नहीं ली। आज भी मैं फील्ड में वर्क करती हूँ मैम, 90% लोगों को नहीं पता कि मैं सिंगल मदर हूँ। और मैं ये बात बताती भी नहीं, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलता है तो आगे वाले इंसान का देखने का नजरिया चेंज होता है, टोनिंग चेंज हो जाती है, उनको लगता है सिंगल है तो इसको सहारे की आवश्यकता है। तो मैं सभी महिलाओं की को बताती हूँ जो सिंगल है और जो नहीं भी है, सबसे पहले लेडीज ने ये मान के चलना चाहिए कि मैं अपने जगह बेस्ट हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है और मैं अच्छा कर सकती हूँ। मैं अच्छा कर सकती हूँ, पहले ये थॉट माइंड में लाना मैम बहुत जरूरी है। एक महिलाओं को मैम सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, खुद का सम्मान पहले करो। किसी से रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है तो उसकी इंसल्ट भी मत करो दूसरी लेडीज की, उसको भी उतना ही रिस्पेक्ट दो। सेल्फ रिस्पेक्ट हर लेडीज को चाहिए। इनडिपेंडेंसी पसंद नहीं है, किसी पे डिपेंड रहना वो किसी को पसंद नहीं, लेडीज को तो पसंद नहीं है। तो खुद के पैरों पे खड़ा रहना है सबको पसंद है। उसके लिए मैम अपना पहले माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे खुद के पैरों पे खड़ा रहना है। तो लेडीज को तो मैम ये तो सीजे चाहिए चाहिए, ये व्हाट दिस इज व्हाट एक्चुअली अ वुमन वांट, मतलब लड़कियों को किसी का सहारा नहीं चाहिए और ना भी वो किसी चीज में मतलब बोलती है कि आप हमें सहारा दो, वो बस चाहती है कि हमें इक्वल चीजें दो। जो आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो कि एक फीमेल है और एक मेल है, वही डिस्क्रिमिनेशन ना करो, इक्वल चांस दोनों की, दोनों को, यही एक लड़की चाहती है। लेडीज हर सब कुछ कर सकती है मैम, एनीथिंग। जब मैं बिजनेस में आई ना, बहुत लोगों ने नेगेटिव किया मैम कि बिजनेस लेडीज लोगों का काम नहीं है, एक अच्छा सा जॉब करो। फैमिली मेंबर ने भी नेगेटिव किए, मम्मी पापा ने भी बोले कि नहीं, अच्छा खासा जॉब है टीचिंग फील्ड में, वही कर। वहां से घर से ही शुरुआत होती है मैम, है ना। तो सबसे पहले यही है कि खुद का माइंड सेट होना चाहिए कि नहीं, मैं हर वो चीज कर सकती हूँ और मैं करके दिखाऊंगी। तो बस यही चीज़ें हैं कि मतलब लड़कियों को यही सारी चीज़ें चाहिए होती है, वो किसी पे डिपेंडेंसी नहीं चाहती, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है और ना ही किसी का सहारा लेना चाहती है। वेल, आपसे अगला सवाल जो मेरा ये था आखिरी सवाल के लिए, कि जितने भी दर्शक हैं उन्हें BCN के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं, वुमेंस डे का ये मौका है तो इस अवसर पर आप सभी महिलाओं को क्या कहेंगी? सभी महिलाओं को यही कहूँगी मैम कि नई शुरुआत करो, जो कुछ भी लाइफ में हुआ है उसको लेके अगर रहेंगे तो आगे में कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगे, अपन आगे में क्या अच्छा कर सकते हैं उस पर ध्यान दो, है ना। और जितना अच्छा हो सकता है खुद के लिए और महिलाओं के लिए या बाकी मेंबर्स के लिए, वो आप हमेशा करो। आगे वाले का अच्छा करोगे तो अपने आप खुद आगे बढ़ते रहोगे। अगर आप आगे वाले को बोलोगे कि मैं इसको डंप करता हूँ तो कहीं ना कहीं आप भी एक दिन वहीं पे नीचे में आके बैठ जाएंगे। कर्मा भी कैंसे। मतलब आगे वाले का अच्छा करो, किसी के साथ अच्छा करो तो चीजें आपके साथ भी ऑटोमेटिकली अच्छी होगी, अच्छी होगी बहुत ज्यादा, जिस तरीके से मैम ने बताया। और बिलीव इन योर सेल्फ इज द थिंग, जो भी मैम ने हमें बताया कि मतलब खुद पे विश्वास रखो, चीजें बराबर हो सकती है, और यही सारी चीज़ें हैं जो एक लेडी को चाहिए, और यही सारी चीज़ें ये भी है कि जो एक महिला को समझनी भी चाहिए, कि उन्हें खुद ये समझना चाहिए कि दे कैन डू एनीथिंग वॉट एवर दे वॉन्ट, द थिंग इज जस्ट कि उन्हें खुद पे वो विश्वास होना चाहिए। तो फिलहाल हमारे साथ ये जो बहुत ही डैशिंग, बहुत ही बेधड़क हम कह सकते हैं, ऐसी वुमनियाँ थी जिनसे हमने बात की, उनकी स्टोरी के बारे में जाना, और इनकी स्टोरी ने एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया है। कहीं ना कहीं जितने भी स्ट्रगल्स उन्होंने फेस किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा टाइम था उन्होंने जब उन्होंने खुद को टूटता हुआ देखा पर फिर भी खुद ही को संभाल लिया, अकेले रोने से लेके खुद डट कर खड़े होने में इन्होंने जो कामयाबी वैसे ही हासिल कर ली वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन्स आपको थी, और थैंक यू सो मच आपका टाइम हमें देने के लिए। दर्शकों, फिलहाल हमारे इस वुमेन्स डे की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN News। नमस्कार।